दुनिया के 12 देशों के बाद अब भारत भी उन देशों के लिस्ट में शामिल हो चुका है जो 5G से कनेक्टेड है। इतना ही नहीं बल्कि इन 12 देशों के हजारों शहरों के बाद अब भारत के भी वो 13 शहर इस लिस्ट में आ चुके हैं जो अब 5G नेटवर्क से कनेक्टेड है। लेकिन सवाल एक ये है कि इन शहरों में होने के बाद भी क्या अपने फोन में आप 5G का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आपका फोन जो आपको 5G वाला बोलकर बेचा गया और इसके लिए आपने काफी ज्यादा पैसे भी दिए, क्या वो असल में 5G से कनेक्टेड हो सकता है? इस बात को जानने के लिए आपको अपने फोन के सेटिंग्स में जाना होगा। फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ आपको अपना सिम कार्ड सेलेक्ट करना है। सिम कार्ड के सेलेक्ट करने पर आपको प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके इस फोन में कौन कौन से नेटवर्क सपोर्टेबल है। 2G, 3G, 4G के बाद अगर आपको 5G वाला ऑप्शन दिखता है तो इसका मतलब ये कि आपके फोन में 5G इंटरनेट आराम से चल सकता है, और अगर नहीं दिखता तो आपको अपना फोन रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर आपको वाईफाई के जरिए 5G की सुविधा अपने फोन में लेनी पड़ेगी। एक बात और जान लीजिए कि 5G की सेवा लेने के लिए आपको अपने सिम कार्ड को अपग्रेड भी करना पड़ सकता है। कंपनियों का कहना है कि या तो आप एक मैसेज से अपने सिम को अपग्रेड कर सकते हैं या फिर फिजिकली अपने कस्टमर केयर सेंटर पर जाकर के अपने सिम कार्ड को आप अपग्रेड करा सकते हैं। देश दुनिया के ऐसी रोचक खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।